तो 10 जून को जितनी भी हिंसा भड़की थी उसमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उस शहर को हिंसा की आग में झोंका गया। बड़ी खबर इस वक्त जो मेरे राज्य मेरा देश में सामने आ रही है, इसी उपद्रव से जुड़ी हुई, वो भी जान लीजिए। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। सबसे ज्यादा इसी शहर में हिंसा देखने को मिला। 59 दंगाइयों के पोस्टर अब जारी किए गए हैं। सीसीटीवी फुटेज से फोटो निकाल करके ये पोस्टर बना दिए गए हैं ताकि इन्हें जल्द से जल्द पहचाना जा सके। आम लोगों की मदद से भी 59 ऐसे चेहरे हैं जो इस दंगा में शामिल थे, उनके पोस्टर बकायदा जारी किए गए हैं प्रशासन की तरफ से। ये बड़ी खबर इस वक्त उपद्रव से जुड़ी हुई सामने आ रही है। प्रयागराज हिंसा से जुड़ी 59 ऐसे चेहरे हैं जिनकी पहचान के लिए पोस्टर जारी किया जा चुका है। बकायदा सीसीटीवी से वीडियो यहां फुटेज निकाल करके पोस्टर बनवाया गया और जारी किया गया। तो यूपी से लेकर के झारखंड तक जुम्मे के दिन हिंसा फैलाई गई। प्रयागराज से लेकर के रांची तक नवाजी बने दंगाइयों ने हिंसा के ऐसे ऐसे हथकंडे तैयार किए जिसका खुलासा अब हो रहा है। और इन सब के बीच में वैसी जैसे नेताओं को यह लगता है कि दंगाइयों को लाठियों से नहीं पीटना चाहिए था क्योंकि वो मासूम बच्चे हैं। यूपी से झारखंड तक हिंसा का तांडव हुआ। असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हैं ये तो बच्चे हैं, ये मासूम हैं, इनके ऊपर जो कार्रवाई हुई वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिपोर्ट देखिए, सुनिए क्या कहा है। यूपी से झारखंड तक जिहादी हिंसा का तांडव। प्रयागराज से रांची तक दंगाइयों को रिटर्न गिफ्ट। 10 जून को यूपी और झारखंड की खौफनाक तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंसा की साजिश कितनी जबरदस्त तैयारी के साथ की गई। यूपी के 12 शहरों में जहां दंगाइयों ने हिंसा का तांडव किया तो वहीं रांची में इस्लाम के नाम पर झारखंड की राजधानी को दहलाकर रख दिया। पुलिस स्टेशन में ले जाकर पुलिस लठों से मारती है और भाजपा के एमएलए बोलता है रिटर्न गिफ्ट है, हाथ तोड़ देते हैं, बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं, ये पुलिसिंग है आपकी। यूपी में तो 10 जून को जुम्मे के दिन दंगाई बने नमाजियों को जमकर तोड़ा गया जिसके बाद उनके मास्टरमाइंड हवालात में अपनी करतूतों पर आंसू बहा रहे हैं। लेकिन झारखंड के रांची में इस्लाम के नाम पर हिंसा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई। अब बात रांची हिंसा के जुम्मे के दिन हुई हिंसा के अब तक के सबसे खौफनाक वीडियो। जी हिंदुस्तान को रांची हिंसा का एक्सक्लूसिव वीडियो हाथ लगा है जिसमें लाल शॉर्ट पहने हुए एक दंगाई जिसने चेहरे पर नकाब बांध रखा है वो हनुमान मंदिर के पास आता है और ताबड़तोड़ 8 राउंड गोलियां चलाता है। गोलीबाज की तलाश कर रही है पुलिस। बड़ा सवाल यह है कि जिस पुलिसिया कार्रवाई पर ओवैसी और कई मौलाना सवाल उठा रहे हैं उन्हें आज ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। जिन दंगाइयों को ओवैसी मासूम बता रहे हैं उनकी मासूमियत को भी ओवैसी को देखना चाहिए। बच्चों के पैरों पे सरों पे मारते हैं, ये पुलिसिंग है आपकी। दो मुसलमान बच्चों की हत्या कर दी, एक के जिस्म में 6 गोलियां, क्या हो रहा है ये? मैं इसको कंडेम करता हूँ। झारखंड में जो फायरिंग हुई, यूपी में 337 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार हो चुके हैं तो वहीं रांची में कट्टरपंथियों ने हिंसा करने के लिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां जिहादी हिंसा के लिए गैंग्स ऑफ वासीपुर व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप का एडमिन नवाब चिश्ती है जिसने हिंसा फैलाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रांची हिंसा को लेकर एक बड़ा खुलासा यह भी हुआ कि दंगाई स्कूटी पर ईंट पत्थर लेकर आए थे और फिर पथराव किया गया था। लेकिन जब पुलिस ने पत्थरबाजों को रिटर्न गिफ्ट दिया तो ओवैसी जैसे नेता चीखने लगे जबकि कुछ मौलाना इसे ओवैसी के घड़ियाली आंसू बता रहे हैं। रसूल के गुस्ताखी की सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, वो सारे के सारे गायब हो गए और 20-20 साल के बच्चों को सड़कों पर छोड़ दिया इन्होंने, सरकार से लड़ने के लिए, पुलिस से लड़ने के लिए और सिस्टम से लड़ने के लिए। यूपी से झारखंड तक दंगाइयों को पुलिस ने जमकर पीटा। सड़क से लेकर सलाखों के पीछे तक दंगाइयों को सबक सिखा दिया गया कि अगर अब अगले जुम्मे पर जरा भी हिंसा हुई तो जुम्मे का दिन दंगाइयों के लिए जहन्नुम बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।